और अभी आई हूँ छत पे और धूप काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए मैंने सुबह से कपड़े धो के रखी थी, धूप बहुत तेज़ थी इसलिए मैं डाली नहीं थी छत पे सूखने के लिए, और जस्ट अभी डाली हूँ। और देखिए कितना पानी अभी नीचे निकल रहा है। और फ्रेंड आज है सैटरडे और मैं अपना ब्लॉग अब से शुरू कर रही हूँ फ्रेंड, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और क्या है कि अब शाम को ही टाइम मिल पाता है फ्रेंड ब्लॉग शूट करने का, तो अभी शाम हो गई है। और यहाँ पर फ्रेंड मैं लगा रही हूँ हैंगर में कपड़ों को, और ये कपड़े मेरे धुले हुए रखे थे यहाँ पर खटिया पे, तो रखे भी फ्रेंड गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं हैंगर में लगा दे रही हूँ। और बच्चे मेरे इतना आएंगे तो इसमें और भी फैला देते हैं, तो वही मैं यहाँ पर कपड़े टांग रही हूँ। और कल धुली थी वो वाले कपड़े मेरे अभी वैसे ही फैले थे फ्रेंड। क्या है कि अकेले हूँ तो जो भी करना है अकेले करना है, और बच्चे मेरे तो कुछ करते नहीं हैं और भी फैला देते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर जो मेरे हैं वो अलग रख रही हूँ, जो हस्बैंड जी के हैं वो हैंगर में लगा रही हूँ, और जो बच्चों के हैं उसको अलग रखूँगी क्योंकि वो अपने साथ सबका बिगाड़ देते हैं। ब्लॉग में कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड, और आ गई हूँ आप लोगों के लिए छोटे से न्यू ब्लॉग के साथ। तो ऐसा है ना फ्रेंड कि बीच बीच में तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो जा रहा है, डाउन हो जा रहा है, तो इस वजह से मैं रोज़ डेली का ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं फ़ोन से ही किचन टिप्स वगैरह जो भी थोड़ा सा 2 या 4 मिनट 5 मिनट का मिलता है वीडियो वही मैं डाल देती हूँ, रोज़ मेरा डेली का ब्लॉग कंटिन्यू हो पाता है। और देखिए अभी कैसा हो रहा है मेरा फेस, और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा मतलब फीवर सा हो रहा है, और मैं योगा वगैरह भी कर रही हूँ तो 2-3 दिन आराम था और फिर से उसके बाद से फिर लगातार मुझे बुखार सा आ रहा है फ्रेंड। और ठीक है अभी मैं कोशिश करूँगी कि अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। तो कैसे हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अभी आज है डे किया है सारा, मैंने सब कुछ शूट किया हुआ है तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। और देखिए अभी गर्मी का मौसम, अभी मार्च आ चल रहा है 4 तारीख है, और देखिए कितना गर्मी हो रहा है, अभी गर्मी का शुरू हो गया और मच्छर इतना लगते हैं ना फ्रेंड, शाम को सुबह रात में, और मच्छरदानी के अंदर घुस के इतना मच्छर सोने नहीं देते हैं रात भर। और रात में भी गर्मी हो रही थी तो पंखा चला के सोए थे, और मुझे ना फ्रेंड सर्दी का मौसम ठीक लगता है, ये गर्मी वाला मौसम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। देखिए और आज है फ्रेंड सैटरडे और मैं जा रही हूँ अभी मंदिर, और देखिए ये मैं जा रही हूँ और थोड़ा सा शूट करते हुए जा रही हूँ क्योंकि मेरे रास्ता देखिए गेहूँ का रास्ता है, गेहूँ के खेत में रास्ता बना है, गेहूँ का रास्ता नहीं है, तो वही मैं जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा शूट करते हुए जा रही हूँ। और मंदिर मेरे घर से थोड़ा सा दूर है फ्रेंड, और हाईवे पार करके जाना होता है, और अभी मैं आ चुकी हूँ पानी टंकी के पास, और यहाँ पर देखिए पानी टंकी बनी है और अभी न्यू बनी है फ्रेंड, और उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में अब। और फ्रेंड अब मैं आ गई हूँ मंदिर में, और मंदिर में आने के बाद मैं हाथ पैर धुली, नल है वहाँ पर, और फिर यहाँ पर है फ्रेंड बहुत ही बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ है, यहाँ पर सभी लोग पूजा करते हैं। तो क्या है कि पिछले दिनों मैं भी 2 या 3 महीने तक आती रही कंटिन्यू यहाँ पर पूजा करने के लिए, सैटरडे के दिन शाम के टाइम में यहाँ बत्ती जलाने के लिए, और तो आती रही। तो फिर उसके बाद मेरे ससुर जी का तबीयत ख़राब हो गया, और ख़राब होने के बाद वो एक्सपायर कर गए। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड कि जब घर में कोई एक्सपायर कर जाता है तो पूजा पाठ नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है, तो वही मेरा रुक गया था।
तो रुक गया था। तो फिर उसके बाद अब से मैं आई हूँ, पहले दिन आई हूँ कंटिन्यू करने के लिए। और यहाँ पर देखिए मिल गई हैं मेरी स्वीटी की सहेलियाँ। तो स्वीटी हमारा कम बना रही हैं वीडियो, अपने सहेलियों का ज़्यादा बना रही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सब लोग आए हैं पूजा करने के लिए, और क्योंकि शाम का टाइम है तो सभी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है फ्रेंड। और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर पूजा करने के बाद, पीपल में पूजा करने के बाद, यहाँ पर मंदिर है शिव जी का, उसी प्रांगण में है, तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पर भी स्वीटी ही बना रही हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है फ्रेंड, तो अंधेरे में थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कैमरा दे दो उनको शूट करने के लिए, तो वो खाली अपने मन का करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वही करेंगे। तो यहाँ पर ये भी हैं स्वीटी की फ्रेंड, तो इनका भी वही शूट कर रही हैं, और देखिए कितना कैमरा हिला रही हैं। और अभी अभी आके बैठेंगी स्वीटी और बनाएंगी ये, और अभी देखिए इन लोगों की मस्ती चल रही है, बच्चों की मस्ती हमेशा चलती है फ्रेंड, और देखिए हमेशा इनकी मस्ती चल रही है, देखिए ये पूजा कर रही हैं या मस्ती कर रही हैं देखिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी पूजा हो गई थी मेरी, और करीबन 5 या 7 मिनट तक मैं बैठी थी यहाँ पर फ्रेंड। घर का कच और फ्रेंड मंदिर जाओ तो थोड़ा 10 या 5 मिनट तक बैठने से बहुत ही सुकून मिलता है मन को, और शांति मिलती है फ्रेंड। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं रिटर्न, और ये हाईवे है फ्रेंड हम लोगों का, और हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, और गाड़ी मोटर जा रही हैं तो उनका फ्लैश जला हुआ है, तो डायरेक्ट आंखों पर ही लग रहा है। तो मैं स्वीटी से कह रही हूँ स्वीटी कैमरा बंद कर दो। तो आई होप फ्रेंड मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा।